इस मन की ऐसी चाल है कि जरा सा असावधान साधक हुआ कि लक्ष्य से भ्रष्ट कर देता है फिर यही मन निरुत्साहित कर देता है विक्षिप्त कर देता है इसी के कथनानुसार चले तो इसी ने भ्रष्ट कर दिया भ्रष्ट का तात्पर्य होता है जो हम लक्ष्य पे चढ़ रहे हैं उससे नीचे गिर जाना हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति जितेंद्रियता लेकिन ये मन कई तरह से हमें भ्रष्ट करता है यदि हमारा किसी से कभी कैसा भी संबंध है कभी ये प्रियता से भ्रष्ट करता है कभी भय से भ्रष्ट करता है सामने वाला प्रतिकूल न हो जाए बहुत ये सावधानी की जरूरत है ये कभी भय करके कभी प्रियता दिखा करके प्रियालाल से विमुख मार्ग का अनुसरण करता है फिर ये इतना जलाता है इसी ने भ्रष्ट किया इसी ने मार्ग से गिराया और यही इतना जलाता है कि फिर निरोत्साहित कर देता है भगवत मार्ग में चलने लायक नहीं रखता है बहुत कृपा पात्र और सुजान उपासक वही है जो इस दुष्ट की दुष्टता को पहचानता रहे बाहर कोई शत्रु नहीं है बाहर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है हमारा मन ये मन ही दुर्दशा करे मन ही इतना नीचता किए हुए है कि हम बार बार शास्त्र की बात सुनते हैं बार बार शत मार्ग पर चलने का उत्साह बनाते हैं और ये दुष्ट ऐसी चेष्टा कराएगा ऐसा संकल्प बनाएगा फिर गिराकर निरुत्साहित कर देगा जहां रति कर रहा है मन वहीं लगा देता है निराश नहीं होना इसकी चाल को पकड़ो ये दो प्रकार से फंसाता है प्रियता और भय से बहुत मनन की हुई बात है भयभीत तो होना मत क्योंकि निश्चय कर लो कि मरना है तो इससे ज्यादा भय क्या दे सकता है हमारी इज्जत श्यामा श्याम है इससे भी भयभीत मत हो अगर गलती हो रही है सुधार करो गलती हो गई है प्रभु आम तो आम सर्व पापे भ्यो मोक्ष में मां सुचा आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है बहुत ध्यान से सुनना आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है प्रमाद स्थिति में हमसे गलती हो गई हम उस गलती को दोबारा ना करें और ध्यान दीजिए वो गलती कराने वाला आपका मन है जब आप आनंदित होंगे जब आप उत्साहित होंगे तब ये फंसाएगा इसकी चाल है इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है और जरासी भी उन्मत्तता आई कि फिर मन जो है वो ऐसी जगह फंसाता है इसलिए बचो इस दुष्ट की चाल बहुत विचित्र है और जहां ये पवित्र हो जाता है तो यही भगवत स्वरूप हो जाता है इसके लिए निश्चय करना पड़ेगा प्राण चाहे चले जाए अब हम न प्रियतावश न भयवश गलत नहीं करेंगे इसे पकड़ो श्रीपाद प्रबुधानंद जी कह रहे हैं श्रीराधिके यदि न प्रसीदे सीदे मत्राप्य मुद विजबी तदेश वृंदावन गात्म कृपा कटाक्षण सदे यदि हम किशोरी जी को प्रसन्न नहीं कर पाए तो हम भारी कष्ट सहते हुए यहां शरीर छोड़ देंगे सिर्फ बात कह रहे देखो भगवत प्राप्ति करनी है तो बात समझना होगा हम ये अंदर की बात कह रहे हैं बहुत अंदर की पढ़ी हुई बात कह रहे हैं यहां यहां के रजिस्टर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं ये बहुत दुष्ट मन है बहुत दुष्ट पूरे जीवन इस पर विश्वास न करें। यहां की पड़ी बात कह रहे हैं हृदय की बात को कह रहे हैं खूब सूक्ष्मता से चिंतन की हुई बात कर रहे हैं भक्ति के आनंद का उल, जहां उल्लास प्रकट होता है वहीं खसक जाता है बचा के निकलता है और प्रियता या भय दिखा करके फंसा देता है मत भयभीत होना इससे बिगाड़ तुझे जो कुछ बिगाड़ना है जो कुछ अब हो हो अब गलत नहीं करेंगे भयभीत मत होना और प्रियता तो है ही नहीं कौन प्यार करता है प्रियता तो है ही नहीं ये केवल प्रियता का भाव दिखाकर हमें परम प्रिय से बिलक करना चाहता है इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न है बहुत बड़ी स्थिति होती है ब्रह्मबोध कोई साधारण बात नहीं है वो जब इस प्रेम रस मार्ग का रसास्वादन वृंदावन रस का हुआ तो वो उनको थोड़ी जरूरत रह गई अब प्रेम की ये हमारे लिए श्लोक लिखा हुआ है महापुरुषजन जो अपने अनुभव वर्णन करते हैं वो हमारे लिए वर्णन करते हैं कह रहे श्री राधे के तुम यदि न प्रसी यदि मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पाया इस जीवन में तो कह रहे हैं आप बहुत कष्ट सहते हुए पीड़ित चित्त के द्वारा मैं अपना देहावशान कर दूंगा देह छोड़ दूंगा पर आपसे विपरीत आचरण नहीं करूंगा बस यहां रुकना होगा यहां पकड़ो यहां बैठा लो हृदय में बात इतना बहिर्मुख हो चुका है उपासक कि वो पकड़ ही नहीं पाता है अपने अंदर की कमी को वो अंदर ही अंदर वो खोखला करके निराश करके बस केवल जीने में लगा देता है खाया पिया सोया खेला कूदा समय कट रहा है बढ़िया हाँ है नहीं भाई ये बहुत दुष्ट है मन बार बार इसलिए कह रहे इस पर कभी विश्वास न करो जब तक शरीर का होश है तब तक सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है दूसरा कोई दुश्मन नहीं इस दुश्मन को देखते रहिए ये पांच ज्ञान इंद्रियों को साथ लेकर हर समय हमारे पतन का प्लान करता रहता है पतन का संकल्प बनाता रहता है ये बहुत नीच उतर गया है इसे उच्च चढ़ाने के लिए जो नाम जो मंत्र जो आश्रय है उसको इस कोट से लेना होगा कि यदि आप प्रसन्न नहीं हुई लाड़ लीजियो तो भयानक पीड़ा और कष्ट सहते हुए जानबूझकर हम अपना शरीर यहां छोड़ देंगे आपके धाम में पर आपके विपरीत आचरण नहीं करेंगे प्रतिकूल वर्जनम श्री वृंदावन में हमें आपका कृपा कटाक्ष चाहिए आपका साक्षात्कार चाहिए आपकी प्रसन्नता चाहिए नहीं तो अपने जीवन को कष्टमय रखते हुए यहां प्राण त्याग देंगे भाव समझो जब इतना दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो कोई हमें परास्त कर ही नहीं सकता ये हमारा मन ही हमको परास्त करता है एक बार नहीं लाखों बार इसको देखा है जहां भक्ति का आनंद उल्लसित हुआ ता निकल पड़ा क्योंकि देख रहा है असावधान है इस समय यह आनंदित है असावधान है और वो कहीं प्रियता या भय दिखाकर फंसा देता है अब वो जो आनंद था वो गुप्त हो जाता है जो एक उल्लास बड़ा था फिर वो निराशा फिर हताश अच्छा उपासक है तो उसको लगने लगता है क्या करूं जीवन नष्ट कर दूं, ऐसा लगने लगता है क्योंकि वो लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है और मन उसको फुसला करके ऐसे गिरा देता है कि वो निराश होकर देखता है अब क्या करूं अब कहां जाऊं पहली बात निराश नहीं होना है जिस समय आपकी भक्ति का आनंद उल्लास से युक्त हो उस समय आपको उदासीन होने की जरूरत है प्रसन्न होने की नहीं जरूरत है ये आंतरिक बात कह रहा हूं सावधानी की उस समय बिल्कुल निरीक्षण मन के ऊपर ही होनी चाहिए पूरी दृष्टि क्योंकि उसी आनंद उल्लास में भागेगा निकलेगा विषय सेवन से के लिए क्योंकि आपको गिराना है उसका काम है गिराना बाहर कोई गिरा नहीं सकता अंदर से अपना बड़ा भारी शत्रु मन है यही गिरा रहा है उदासीनता जिस साधक के जीवन में नहीं वो आगे नहीं बढ़ पाता है उल्लसित नहीं होना अंदर उल्लास तो पूरी की पूरी एकाग्र दृष्टि मन पर कहीं हमारा मन उल्लास के छिद्र से भागकर कहीं फसाने तो नहीं जा रहा है हमने देखा है इसको दो तरह से फंसाता है एक प्रियता और एक भय भय मान सम्मान यश लोक लोकलज्जा इसका और प्रियता हमें बहुत प्यार करता है दो स्थिति में मन भागता है और साधक को गिरा देता है तो साधक का निश्चय होना चाहिए कि अब या तो प्रियाजू की मुस्कान नहीं तो प्राणों का समर्पण अब सौदेबाजी मन से नहीं होगी अब हम जलने के लिए तैयार हैं अब हम सौदेबाजी नहीं करेंगे कि है, मन प्रसन्न हो जाए तो भजन में सहयोग करेगा यह नीच कभी नहीं करेगा सहयोग इसको तो जलना ही होगा बिना जलाए आगे नहीं बढ़ सकते महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर करने के लिए तैयारी कर ली है जैसा श्रीपाद के ये न्यौछावर या तो प्राण समर्पित कष्ट पूर्वक हम शरीर या फिर आप मुस्कुराओ बीच में हम स्वीकार नहीं करेंगे इस मन की मनमानी आचरण बहुत निकृष्ट है बहुत रुलाया है बहुत परास्त करता है पूरा जीवन हो गया है इसको लगाते ही लगाते तो इसको पढ़ पाए हैं कि हाँ है क्या चीज बहुत नीच प्रवृत्ति है इसकी एक क्षण तो वैराग्य की स्थिति में एक क्षण में आपको लगेगा भगवत प्राप्ति की स्थिति और एक क्षण में इतनी गंदी स्थिति पैदा कर देगा कि लगेगा अभी तक जीवन में कुछ हाथ ही नहीं आया साधक की धज्जियां उड़ाता रहता है मन और गुरु कृपा पात्र जो चाल इसकी समझ गया हर चाल पे वही वही लगाम खींच दी बच गया बच गया नहीं बहुत नीच प्रवृत्ति का है ये अगर इसको समझ पाओगे तो आगे बढ़ पाओगे नहीं तो निराशा पैदा करके भगवान शिव विमुख कर देता है लाखों चलने वालों में कितनों को गिरा दिया आगे बढ़ने लायक नहीं रखा इसी मन का खेल है तुम अपना जीवन प्रभु के चरणों में निछावर कर दिए अब उनकी कृपा की बात जो होते हुए मस्त रहो और ये मस्ती मन के निरीक्षण से युक्त बनी रहनी चाहिए मन को ढील दिया ना जहां कि आज तो बहुत बढ़िया भजन हुआ आज बहुत आनंद वही निकल के फंसा देगा यह अनुभव की बात है आनंद की उमगन में इसके निकलने के चांस होते हैं वो उसी जब साधक आनंद उमगन में होता है तब तो वो निकल कर किसी विषय में उसे बांध देता और उस आनंद को खा गया जो आनंद उल्लास था अब वो पश्चाताप की आग जल रही है अब फिर उसको लगता है इतने दिन मेहनत करने के बाद तो इतना हम चढ़ पाए थे फिर मुझे गिरा दिया फिर वो निराश होने लगता है शोक विषाद दुख क्लेश कष्ट संताप भय उद्वेग ये प्रदान करता रहता है इसके साम सामग्री क्या है मन की इसके अनुकूल चलोगे तो क्या देगा मन कह रहे हैं शोक पक्का पर पकड़ में तो है नहीं ये बहुत खिलाड़ी है खेल करके और ऐसे तदात्म में बैठा है तदात्म में कि पीटोगे किसको तदात्म तुमने तदात्म कर लिया है अब उसको दंड कहां से दोगे दंड तो तब दे जब दृष्टा बने ना वो तो तदात्म कर लिया है अब जब कुछ नहीं तो आज से भोजन नहीं करेंगे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना वो इतना बलवा उसको कोई फर्क नहीं पड़ना तुम दस दिन के बाद जब भोजन पाओगे तब तुम्हें वहां फिर खड़ा कर देगा जाके जहां नहीं खड़ा होना चाहिए ये सबसे बड़ा बंधन मन है मन ही मोक्ष का कारण है मन ही बंधन का कारण है ध्यान दीजिए जब आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया तो अब तुम्हें मन से सावधान रहना है और किसी से कोई दुश्मन नहीं है कोई हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता त्रिभुवन में कोई हमारा किसी भी तरह से आनंद का नाश नहीं कर सकता एक दुश्मन है वह है मन ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं जिसने मन पर सदैव निरीक्षण दृष्टि रखी वो आगे बढ़ गया और जो आनंद में सम्मान में प्रियता में वावाही में चूक कर दिया वही मन प्रवेश करके माया में आपको नष्ट कर देगा लक्षण मन के पास क्या है खजाने में जब मन के आप अनुकूल चलेंगे मन के अनुकूल तो आपको क्या देगा शोक विषाद दुख क्लेश कष्ट संताप भय उद्वेग यह आपको देगा अगर आप प्रभु के अनुकूल चले मन जितना आपको आकर्षित करे भोगों के उसको डांट के उसकी बात ना सुनकर प्रभु के अनुकूल चले तो इनमें से कोई भी दोष आपके अंदर नहीं रह जाएगा ना आपके अंदर शोक होगा ना विषाद होगा ना दुख होगा ना क्लेश ना कष्ट ना संताप ना भय ना उद्वेग कुछ नहीं रहेगा निश्चय ये बात निश्चय समझ लो सारा का सारा मन का एक खेल है जो सब दुखी हैं सब परास्त हो रहे हैं सब जल रहे हैं उसका कारण मन है ये मन प्रत्येक श्वास यदि अपने प्रभु के सुमिरन में अर्पण कर दी जाए और मन की बात ना मानी जाए तो प्रसन्नता बढ़ने लगे स्वाभाविक दो बातें कह रहे हैं पहली बात तो हर श्वास में नाम जब चले दूसरी बात मन की बात नहीं माननी है इससे लड़ना पड़ेगा बिना लड़े कोई परमार्थ का योद्धा विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाता और ये बहुत रुलाता है बहुत दुख देता है यही यही प्रतिकूल हो जाता है पहले फुसलाएगा आपको में करेगा इसे छू लेते इसे देख लेते इसे भोग लेते बड़ा सुख मिलेगा और आपने यदि उसके अनुकूल कर लिया तो वही फिर शोक विषाद दुख क्लेश अशांति ये फेंकेगा अब तन्मयता में वो तुम्हारे बैठ गया है तुम उसको अपने तन्मयता में ले लिए तो अब बाहरी दृष्टि रहती है चलो फिर आज से अन्न नहीं खाते आज से मौन हो कुछ पर किस पर नहीं पड़ेगा तुम्हारे मौन से तुम्हारे अन्न त्याग से इस पर एक बात केवल इसकी बात माननी नहीं है बस इस हम ये सब करके देखे हैं कई वर्ष अन्य जबान में नहीं आलू गुड़ जो मिला गांव कुछ फर्क इस पे नहीं पड़ता ये सब करके देखा है बस चतुर सावधान वही जो हर श्वास नाम जब करके इसके खिलाफ रहता है अब देख लो इसके खिलाफत करना कितना कठिन बात है मनोवेग है ये इस वेग को जो सह गया उसको महात्मा टूट गया वही दुरात्मा बना देता है बहुत निंदनीय आचरणों से युक्त है मन आप देख लो अगर इसको सुधारना चाहते तो इसके खिलाफ कमर कसनी पड़ेगी आपको जबरदस्ती इसको भजन में लगाना पड़ेगा और इसकी बात नहीं माननी होगी नाम में बड़ी सामर्थ है मतलब ये जो हम कह रहे हैं अब कैसे तुम्हें स्थिति कैसे बताएं ये बड़ी ऊंचाई से गिरा देता है मन ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है मन इंद्रियाणाम मनुष्याश्मी ये भगवत स्वरूप है ऐसा खेल रचा गया है माया का ऐसा रचना रची गए कि अगर इसका सपोर्ट ना करो तो जीना मुश्किल है ध्यान देकर देखो सारा खेल तो इसी के अंतर्गत और सपोर्ट करो तो जीना मुश्किल है अब निकलो इस खेल से निकलो तो परम पद मिल जाएगा बस जिसने नाम जपा हरिमाम व्यास जी एक पद में कहते हैं नियंता पतितन को हरी नाम यही हमारे अंदर कमी हो रही है इसीलिए हम हार रहे मन से हम इन सब बाहरी बातों को कोई महत्व तो नहीं देते एक है केवल एक वही अनेक रूप रखकर तुम्हारे सामने आ रहा है छुपा छुपी का खेल खेल रहा है ये अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा है नाटक है माया का कुछ इससे नहीं होने वाला कोई इससे आत्म शांति नहीं प्राप्त होती इससे आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती ये उपलब्धि ना मान ली जाए हाँ कि बहुत ऐसा ये सब स्वप्न है स्वप्न है वो एक जादूगर विविध रूपों में आके कह रहा है पहचान अगर मेरे मार्ग का पथिक है तो पहचान मैं तेरे सामने हूं तो पहचानना तो भूल जाते हैं अरे बहुत बड़ा सूक्ष्म खेल है जीत गए तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे ये ऐसा खेल है भगवत नाम में इतने सामर्थ हरी राम व्यास जी नियंता पति तन को हरी नाम उचरत ही मुह कुचरत कलिको खोज ना श्याम नियंता पति तन को हरी नाम यदि श्वास श्वास दो बातें भी पीछे बहुत ध्यान से सुना मन की बात नहीं माननी इतनी सामर्थ्य आपको कहां से मिलेगी बोले श्वास श्वास नाम जप करना होगा इसी से विजय होगी मन की बात नहीं माननी वो हर समय विषय पेश करता रहता है जैसे आप किसी होटल में बैठे हो तो पर्चा दे देते ना आप बोलिए इसमें से क्या चाहिए ऐसे हर समय पेश करता रहता है पूरे त्रिभुवन में इसी का शासन चलता है मन का क्या चाहिए आपने अगर किसी में भी दस्तखत कर दी और शास्त्र विरुद्ध आचरण है तो गिरा देगा आपको बहुत होश में बहुत होश में वो होश तब माना जाएगा जब हर श्वास आपका नाम चल रहा है जे ही नाम आपकी जिभ्या में हर श्वास चलेगा तो मुंह कुचरत कली को ये जो कली अभद्र वर्णत सहस ये कामादिक दोष इन सब के मुंह को कुचरता है हरि नाम इसीलिए और साधनों में प्रीति हो जाएगी नाम जपने में नहीं होगी और नाम जपने में हो गई तो आप जीत जाएंगे जीत जाएंगे हर से नाम जपत जय नाम आनंद प्रदान करते हुए आपको बचाता रहेगा मन की चाल दिखाता रहेगा उससे कैसे बचना ये युक्ति बताता रहेगा खोज न राखत श्याम फिर श्याम सुंदर की खोज नहीं करनी पड़ेगी नाम चल रहा है ना यही अब तुम धोखे में नहीं डाल सकते किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की कण कण में झांकी भगवान की मेरा प्रीतम सब रूपों में है ये नाम आपको अनुभव कर आएगा नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला बातें बनाने से माया का पर्दा नहीं हट जाएगा बहुत विचित्र है बहुत विचित्र अच्छे अच्छे त्राहिमाम बोल देते हैं इस मन के आगे हिमालय को उठा लेना सहज है लेकिन मन को अधीन करना सहज नहीं है नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य वो तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम मन को अधीन कर सकते हो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को अधीन करने वाला नाम है नाम